मैं नूर, उम्र 12 साल। आज मैं होश हूँ, आज मैं महफूज हूँ। आज मेरी आंखों में दुख के आंसू नहीं, हाँ मगर कभी कभी रब का शुक्र अदा करते हुए ये आंखें छलक जाती हैं। मेरी कहानी, मेरी जुबानी। जिला सुदनोती, आजाद कश्मीर का खूबसूरत शहर त्राड़खल, जहां मैं पैदा हुई। मेरा मरहूम बाप मक्खन खान मकबूजा कश्मीर का रहने वाला था। साल हर साल से भारतीय मुजालिम का ना खत्म होने वाला सिलसिला। बहुत से मजलूम खानदानों की तरह मेरे बाप के घराने के बहुत से अफराद को शहीद कर गया। उनकी जान तो बच गई, मगर गोली लगने से एक टांग की माजूरी और महरूमी उनकी किस्मत बन गई। बहुत मुश्किल है एक ऐसे शख्स का घर फिर से आबाद होना जो माजूर हो, मगर कुछ मेहरबान दिल रखने वालों ने अपनी सी कोशिश की और यूं मेरे वालिद मरहूम एक बार फिर से अपने शरीके हयात के साथ गिरते पढ़ते जिंदगी की जिद्दोजहद में शामिल हो गए। उनकी शादी के 25 बरस बाद मैंने इस मुफलिस और नादार जोड़े के घर जन्म लिया और यूं एक बोझ, एक घुटन, एक आजमाइश नुमा इजाफा थी मैं, सन्नाटा। कितनी देर रह सकते हैं आप इसमें, एक दिन, एक माह, एक साल। आंख खोलने से लेकर अब तक एक खामोश आगोश में पलते हुए सिर्फ अपनी ही आवाज सुन रही हूँ। लोरियां, नसीहतें, माँ की मीठी डांट, खुदा जाने किन खुश नसीबों का मुकद्दर है। मेरी माँ, जिसके पास ना बोलने को जुबान, ना सुनने के लिए कान, अदना दिमागी हालत, मगर फिर भी ममता की अपनी एक हिकमत होती है जो खुद ब खुद अपनी औलाद की जिम्मेदारियां निभाने का हौसला और ताकत बन जाती है। जब तक मेरा बाप जिंदा था, जैसे कैसे करके निजामे जिंदगी चल ही जाता था। कभी कभार खुशी का कोई टिमटिमाता झुगनू हम गरीबों की हथेली पर कुछ पल के लिए ठहर ही जाता, पर मजदूर ही सही। शफकत का वो साया इस दुनिया में नहीं था। ये खलास जिंदगी के सहरा को जुलसा देने वाली तपिश में मुबतला कर गया। लिहाजा चाहते ना चाहते मैं और मेरी माँ मामू के घर पनाह लेने पर आमादा हो गए। कमजोर की हैसियत क्या है, उसकी जिंदगी क्या है? कोया पत्ते की नोक पर उखड़ा हुआ शबनम का एक कतरा, सूरज की पहली किरण जिसकी फना, हवा का एक आवारा झोंका जिसकी मौत का सबब बन सकता है। मेरी इस कदर कम हैसियत जिंदगी के दामन में खुदा जाने अभी जमाने की कौन कौन सी ठोकरें भरना बाकी थीं। लेकिन मेरा यकीन कामिल है, अल्लाह अपने बंदों को बस उतना ही आजमाता है जितनी उनमें कुव्वत बर्दाश्त हो। मेरे कानों में आज तक मेरी माँ की वो खामोश चीहें गूंजती हैं, शायद वो बेजुबान पुकार फरियाद बनकर बरगाहे इलाही से जा टकराए। किसी दर्द दिल रखने वाले इंसान ने एक बशारत नुमा आस मुझे और मेरी माँ को सुनाई। शायद यही वो लम्हा था जब कुदरत का करिश्मा नाजिल हुआ चाहता था। खुदा के नाम पर तो हम सब अंधे हैं, हम में से ना किसी ने उसे देखा और ना सुना। हाँ मगर मैंने देखा है, ममता की नूर जैसा, मेहरबान की मेहरबानी जैसा, शफीक की शफकत जैसा, वो रोशन रास्ता जिसमें मेरा रब मुझे दिखाई ना देने के बावजूद हर लम्हे मेरे साथ था। एक ऐसा घर जिसमें बिला तफरीक रंग और नस्ल, अकीदा और जुबान, हर मजलूम, महरूम और यतीम बच्चा अपनी वो जिंदगी जीता है जो अल्लाह ने आसमानों से इंसान की तकदीर में लिखी, मगर जमीन की कसाफतों में कहीं गुम हो गए। आज ये मेरा घर है, आज ये उन सब का घर है
जिनका कोई घर नहीं। कोर्ट सिर्फ सहारा ही नहीं, एक यकीन भी, सिर्फ पनाह ही नहीं, खुद एतमादी भी, एक रास्ता ही नहीं, मंजिल भी। बफजले रब्बी हर एक नेमत, हर एक राहत, हर असलूब में जिम्मेदारी, हर अमल में दयानतदारी, वफा की पासदारी। मैं नूर अपनी कहानी को एक फ़ख्र भरा अहतमाम देते हुए ये कहने में हक बजानिब हूँ कि तारीकी कितनी भी गहरी क्यों ना हो, रोशनी की एक शुआ अंधेरों का सीना छिलनी कर देती है।